बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। अगले कुछ दिनों में यह चुनाव कराया जाएगा। बता दें कि इस चुनाव के तहत पहले चरण के 10 अक्टूबर को 156 निकायों में चुनाव कराया जाएगा। वहीं मतदान के दिन राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की रफ्तार की निगरानी ऐप से कराने की तैयारी की है। जानकारी के अनुसार जिस ऐप को निगरानी के लिए विकसित किया गया है उसका नाम रियल टाइम VTR मॉनिटरिंग ऐप रखा गया है। इस मोबाइल ऐप की सहायता से ही प्रत्येक जिले के बूथ पर मतदाताओं द्वारा किए जा रहे मतदान की संख्या की जानकारी दी जाएगी, जिससे जिलावार मतदान की रफ्तार की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नगरपालिका सह जिलाधिकारी एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जा सकेगी। बताते चले कि मतदान की रफ्तार का आकलन प्रत्येक 2 घंटे पर किया जाएगा। इसके लिए सभी मतदान कर्मियों को चुनाव प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उन्हें चुनाव के समय कोई परेशानी न हो। वहीं अभी तक बिहार निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर मतदान कर्मियों के द्वारा प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके अलावा चुनाव प्रेक्षकों के लिए भी अलग से ऐप को तैयार किया गया है। इस चुनाव को लेकर आयोग के द्वारा कहा गया है कि नगर निकाय चुनाव के दौरान सभी जिलों में चुनाव प्रेक्षकों की तैनाती की जाएगी। प्रेक्षक के लिए बनाई गई ऐप ऑब्जर्वर ऐप के माध्यम से नामांकन से लेकर मतगणना तक की जानकारी राज्य निर्वाचन को दी जाएगी। राज्य निर्वाचन को जानकारी देने का कार्य प्रेक्षक के द्वारा किया जाएगा। आयोग के अनुसार निकाय चुनाव के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। इन सॉफ्टवेयर से उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की समीक्षा व उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए की जाएगी। चुनाव में इस तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से नामांकन पत्रों की समीक्षा और प्रतीक आवंटन में मानवीय हस्तक्षेप की संभावना न्यून होगी और साथ ही पारदर्शी व्यवस्था के तहत शिकायत भी कम प्राप्त होंगे। बता दें कि इस बार के बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर नियम में कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं। पहले नगर निकाय के चुनाव में नगर परिषद और नगर पंचायत के अधिकारियों के अलावा कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन इस बार ऐसे लोगों को चुनाव कार्य में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। चुनाव को लेकर गठित कोषांग से नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कर्मचारियों को अलग रखा गया है। समार नाले से जुड़े कार्यालय एवं प्रशाखा कर्मियों को नगर निकाय के कोषांग में प्रतिनियुक्ति की गई है। नगर निकाय चुनाव में मतदान EVM के माध्यम से किया जाना है। ऐसे में हर बूथ पर 3 बैलेट यूनिट और 3 कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। चुनाव में VVPAT का प्रयोग नहीं होगा। मतदान के दिन EVM रिप्लेसमेंट के लिए नगर पंचायत के 2 वार्ड पर 1 और नगर परिषद के 1 वार्ड पर 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इन सभी कार्यों के लिए विभिन्न विभागों से अधिकारियों तथा कर्मियों को तैनात किया गया है। नियम में किए गए बदलाव को देखते हुए आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने का फैसला लिया है ताकि नए नियम एवं नीति की जानकारी आम मतदाताओं तक पहुंचाया जा सके। इसको लेकर आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराना प्राथमिकता में शामिल है। नियमों में किए गए बदलाव से आम लोगों रूबरू हो सके इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है। प्रचार प्रसार के रूप में LED वैन, लोकल कम्युनिटी रेडियो, लोकल टेलीविजन चैनल, प्रभावी न्यूज पोर्टल एवं डिजिटल चैनल, कॉलर ट्यून, होर्डिंग बैनर, लोकल सिनेमा घर, मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट, राज्य पथ परिवहन निगम की बसों पर ब्रांडी आदि के माध्यम से करने को निर्देशित दिया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।